किसानों के साथ मंडियों में चल रही धान खरीद पहले ही किसानों के लिए समस्या बनी हुई थी। अब किसानों की फसल बेचने की सुविधा के बनाए गए वेब पोर्टल मेरी फसल मेरा ब्यौरा वेब पोर्टल सेवा पंजीकरण को लेकर हेराफेरी का मामला सामने आया है, जहां करीब 300 एकड़ जमीन के विवरण को लेकर हेराफेरी हुई है और वेब पोर्टल पर किसानों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। इस हेराफेरी का खुलासा यमुनानगर में कृषि विभागीय अधिकारी जसविंदर सिंह ने किया है। क्या है पूरा मामला, उन्हीं से सुनिए। सर, ये मेरी फसल मेरा ब्यौरा योजना थी, जिसमें किसानों ने अपनी फसल का विवरण देना था पोर्टल पे। तो इसमें कुछ दिक्कतें अभी आई हैं। हालांकि यमुनानगर ज़िले में करीब करीब 81% किसानों ने इसमें रजिस्ट्रेशन कराया, लेकिन अब कल से संज्ञान में आ रहा है कुछ किसानों की ज़मीन का नकली पंजीकरण करा दिया किसी और किसानों ने। सढ़ोरा में कुछ ऐसे केस आए थे, या एक दो गाँव जगाधरी में भी है, उनमें केस आए थे किसानों ने, जो दूसरे किसानों का पता लगा, वो किसान कुछ यूपी के थे, कुछ हिमाचल के किसान थे, तो उनके खिलाफ FIR दर्ज करा दी गई है सढ़ोरा मंडी में किसानों के द्वारा ही, जिनकी ज़मीन का पंजीकरण कराया था। और हमारे पास भी एप्लीकेशन आई है, हम इसको डायरेक्टरेट भेज के इसकी विस्तृत जांच करा के फिर आगे एक्शन लेंगे। इसमें किसान अपने या तो अपने माध्यम से अपने मोबाइल से रजिस्टर करा सकता है, या कॉमन सर्विस सेंटर है या सरल अंत्योदय केंद्र है, वहाँ जाके रजिस्टर करा सकते हैं। में शायद एक तो हमारा मुश्तरका खाता है, जब तक वो नहीं सॉल्व होगा तब तक कोई भी, जैसे एक ज़मीन है वो चार भाइयों के नाम है, तो एक भाई करा जाता है, दूसरा रह जाता है, एक ही भाई सारी ज़मीन का करा जाता है, कुछ तो केस ऐसे हैं। और कुछ शायद ये CSC सेंटर और आड़ती की मिलीभगत से हुआ है। तो हमारे पास ऐसी एक तो सढ़ोरा से शिकायतें आई हैं 3-4, और एक हुंडेवाड़ा गाँव है, और एक अभी बाकरपुर से 4 शिकायतें ऐसी आई। इससे अभी तक तो 150 एकड़ तो सढ़ोरा में ही थी, और कुछ 150 एकड़ सभी और ब्लॉक्स में मिला के हुई होगी। वो अभी हमारा दोबारा पोर्टल खुला था 1, 2 और 3 तारीख में, जब वो दोबारा किसान अपना कराने गए तो उन्हें को पता लगा कि इस पे पहले ही पंजीकृत है, किसी और किसान ने इस पे अपनी भूमि पंजीकृत करवाई हुई है। तो किसानों से मेरी ये गुजारिश रहेगी कि जब भी अपना रजिस्ट्रेशन कराएँ तो OTP आता है, अपना OTP किसी से शेयर ना करें, और किसी आड़ती के बहकावे में ना आएँ, जो आपकी एक्चुअल फसल है वही भरें। यमुनानगर की बात करें तो हमारा 88,000 हेक्टेयर एरिया धान के अंडर है, और सरकार ने जो मानदंड बनाए हैं खरीद के लिए, उसमें 17% मॉइस्चर की मिनिमम मॉइस्चर हो। तो किसानों से ये भी मेरी गुजारिश रहेगी कि अपना धान अच्छी तरह सुखा के ही मंडी में लाएं, ताकि बेचते वक्त उनको कोई। कृषि विभाग के डेप्यूटी डायरेक्टर डॉक्टर जसविंदर सैनी ने बताया कि उनके पास भी इस तरह की शिकायत आई है। उनका मानना है कि ये फर्जीवाड़ा CSC सेंटर व आड़ती की मिलीभगत से हुआ है। उन्होंने किसानों से अपील की है कि वो अपनी जमीन व फसल का सही इंद्राज करें, आड़ती के बहकावे में न आए। वही डेप्यूटी डायरेक्टर ने बताया कि यमुनानगर जिला में 88,000 हेक्टेयर में धान की फसल है। जिस किसान ने पोर्टल पर फसल का पंजीकरण करवाया है, उनकी फसल मंडी में खरीदी जाएगी। उन्होंने कहा कि जल्द ही इस मामले में खुलासा होगा कि ये फर्जीवाड़ा कहां व किस तरह से हुआ। यमुनानगर से सुरेंद्र मेहता, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।